में आज बोहरा कम्युनिटी आप देखेंगे, उनके खाने देखेंगे, क्या क्या है यहाँ पे, अगर आप ये देख सके, खूबसूरत सी थाल है जिसपे बहुत सारी बोहरा कम्युनिटी के खाने हैं, क्या क्या है आपको बताएंगे, लेकिन आपको कुछ बनाना भी सिखाने वाली है। हमारे साथ आज हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, फरीदा मुईद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। हमें जब आपके बोहरा फूड फेस्टिवल के बारे में पता चला था ना, तो हमने उसी दिन कहा था कि हम इनको बुलाने वाले हैं, लेकिन हम इनको ऐसे बुलाना चाहते हैं कि अगले ही दिन जो है वो इनका फेस्टिवल हो, ताकि हम बोल सकें कि कल से आप देख सकते हैं। सही है ना? तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना एक्साइटेड है आप इस फूड फेस्टिवल के लिए? फूड फेस्टिवल के लिए तो हम लोग बहुत एक्साइटेड, क्योंकि हमने बहुत तैयारी की हुई है इसकी और कल से स्टार्ट है। बिल्कुल, फिंगर क्रॉस के अल्लाह करे बहुत अच्छा हो और आप सबको आना है उधर। बिल्कुल। और हमारे नाजमाबाद में, नॉर्थ नाजमाबाद में नॉर्थ वॉक पे, और 24, 25 और 26 फरवरी। बिल्कुल। और आज आप हमारे लिए क्या क्या बनाने वाली हैं? देखिए, हमारी स्पेशल डिश होती है चिकन काड़ी कहते हैं हम उसको, वो मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत इजी भी होती है और हमारे रोज़मर्रा के खानों में भी डेली भी हम बनाते हैं घर में और खाते हैं चिकन काड़ी। ठीक है, चिकन काड़ी। और उसके साथ मैं आपको सूजी का हलवा बताऊंगी, मगर उसके साथ पाइनएप्पल कैसे टच में करते हैं वो हम देखते हैं। जबरदस्त, लेट्स सी सूजी और पाइनएप्पल का हलवा। उससे पहले चिकन काड़ी, तो आप हमें यहाँ पे बताइएगा कि हमें चिकन काड़ी, जिसको मैं कड़ी चिकन कह रही थी, कड़ी चावल कह रही थी, चिकन काड़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? फिर उसके लिए हमें पहले चाहिए होगा चिकन, ठीक है, फिर ऑयल, ठीक है, और एक हमारे स्पेशल ये मसाला होता है जिसके अंदर सारे नट्स होते हैं, जो बहुत हेल्दी भी है खाने के लिए, और कोकोनट मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दही, और ये हमारा ग्रीन पेस्ट है अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का, ठीक है, और ये है हमारा रेड चिली पेस्ट। ओहो, और ये हमारे कड़ी लीव्स हैं जिसे हम कड़ी पत्ते भी कहते हैं। ठीक है, जबरदस्त, मुंह में पानी आ रहा है, इंग्रेडिएंट्स इतने जबरदस्त हैं, तो हम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल। और फरीदा, आज मैं आपकी प्रेफ शेफ हूँ, आप मुझे इंस्ट्रक्शंस दे सकती हैं, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, चूल्हा मैं आपके लिए वाला जला दूं? जी चलिए, ये वाला चूल्हा जलाते हैं, हल्की आंच। बिल्कुल हल्की। चलिए जी, आप इसमें चीजें ऐड करते रहिए, अगर भुनाई मुझसे करवानी है तो मोर देन वेलकम, मैं करने को तैयार हूँ। बिकॉज बोहरा फूड के बारे में हम सुनते हैं कि हम किसी को जानते हैं जो किसी को जानता है, लेकिन आज हम स्पेशल ऑथेंटिक रेसिपी सीखने वाले हैं। सर आप चले, ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, स्टार्ट करते हैं हम इसको। चिकनकारी के कपड़ों की बात नहीं हो रही, चिकनकारी खाने की बात हो रही है। अच्छा, हम इसमें ऑयल लेंगे, ठीक है, तकरीबन 3 टेबल स्पून से, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। ठीक है, हमने ये ऑयल ले लिया। सही है, ऑयल हमने लिया है, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे उसके अंदर, और फिर उसके बाद जो है हमारा ये ग्रीन चिली पेस्ट है और ये रेड चिली पेस्ट है, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे हम, ठीक है, और उसके साथ भुनेंगे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रेड करी पेस्ट जो आपने बनाया है जी, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें जो है रेड चिली है और थोड़ा सा गार्लिक है, और जो रेड आता है वो अपना तिहारी मिर्च, या हम उसको रेड जो कलर वाली मिर्च होती है, कश्मीरी भी कहते हैं, कश्मीरी कहते हैं, हाँ, तो कश्मीरी मिर्च है इसके अंदर, उसका ये पेस्ट बनाया है। ठीक है, ठीक है। आप क्या बना हुआ रखा होता है, ऐसा कभी होता है कि किसी इसके, इसकी मेजरमेंट्स होती हैं स्पेशल, और वो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में कभी हुआ तो जरूर आपको बताऊंगी कि इसकी एक मेजरमेंट होती है कि किस तरह बनता है, और किसी भी खाने के साथ अगर कभी किसी का दिल चाह रहा है तो खा लिया। आलू भी बहुत अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ इसके, जबरदस्त, तो इसके साथ आलू भी बहुत मजे के लगते हैं, और इमली की चटनी के साथ, तो वो भी हमारी स्पेशलिटी। अच्छा, आपकी, आप जब तक ये तेल गर्म हो रहा है, मुझे ये भी बताइए आपकी अपनी पसंदीदा चीज, पसंदीदा जो रेसिपी है वो क्या है बोहरा कम्युनिटी की फूड? मुझे जो बेसिकली पसंद है वो है बोहरा फ्राइड चिकन। बोहरा फ्राइड चिकन, जो कि मैंने देखा है यहाँ पे आप लाई भी हैं। अच्छा, यहाँ पे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा हम इंतजार करेंगे ऑयल के गर्म होने का, तो फिर जब तक यहाँ आ जाते हैं मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, फरीदा आप भी आ जाइए जी, बिल्कुल, कि ये जो थाल है जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी, इसमें क्या क्या है, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। हाँ, पहले हम नमक से स्टार्ट करते हैं, नमक है ये हमारा है। सुडन्ना है, जिसे हम मीठे चावल कहते हैं, जो हमारे लिए खुशी के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, और हम जब यहाँ आए हैं तो ये खुशी का ही मौका है। और फिर हम ये मीठा है, इसको मलाई खाजा कहते हैं हम। फिर हमारे यहाँ नमकीन स्टार्ट होता है खाजे के बाद,
इसको ये ड्रम स्टिक है जो मैंने आपको बताया था, बोहरा फ्राइड चिकन भी बोलते हैं हम इसे है। फिर हमारे यहाँ रोटी और एक तरकारी में लेकर आई हूँ जो प्रिपेयर हो रही है या जो हम ये पेश करेंगे वो हो गए। और यहाँ पे अब हम सस्पेंस रखेंगे, सारी चीजें नहीं बता रहे इस साल के बारे में, बिकॉज हमारे पास और भी बोरा कम्युनिटी के गेस्ट होंगे जो कि आपको और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अब हम वापस चलते हैं किचन की जाने फरीदा, हमारे आई थिंक तेल अब गर्म हो चुका होगा और थोड़ा सा हमने का जरा ट्रेलर दिखा दे, मूवी अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी जनाब। अच्छा अब हम इसमें चिकन को डालेंगे। ठीक है, आपसे और अपने आप से उसको बचाने के लिए थैंक यू। अब हम इसमें ये रेड चिली पेस्ट डालेंगे। ठीक है, चिकन अभी शामिल किए हैं इन्होंने हड्डी वाली, तकरीबन मुझे लग रहा है कि ये एक पाव के बराबर। हाँ, डेढ़ पाव, डेढ़ पाव, डेढ़ पाव, 350 ग्राम चिकन है। और मेरे ख्याल में ये और फिर हम ये ग्रीन चिली पेस्ट डालेंगे इसमें। ठीक है, ग्रीन चिली नहीं है, सॉरी, हरा मसाला है जिसमें अदरक लहसुन हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी शामिल है। थोड़ा सा धनिया भी शामिल है, हरा धनिया भी शामिल है। ओके, इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फरीदा कि जो आपका बोरा कम्युनिटी का जो खाना है इस बात को सबसे खूबसूरती से एक्सप्लेन करता है कि इंग्रेडिएंट्स मोर और लेस वही हैं, पकाने का तरीका मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। और बस ये कि प्यार मोहब्बत से जो भी चीज़ बने अच्छी बनती है। बिल्कुल, वो जो थाल होती है क्या आप लोग हमेशा उस थाल में ही खाते हैं? हाँ एग्जैक्टली, हमारी एक ये एक थाल में खाना खाते हैं सारे फैमिली सारे मेंबर्स एक साथ बैठ के, ताकि मोहब्बत भी बढ़े, जो बात करनी है जो टाइम नहीं मिलता लोगों को, तो सबको पता है कि लंच पे और डिनर पे तो मिलना ही है सबको साथ, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं फैमिली मेंबर्स, सबको अपने दिल की बात करने का मौका मिलता है और एक दूसरे से मिलने का मौका मिलता है। जो आजकल इतनी बिजी लाइफ है कि बच्चे कॉलेज स्कूल से आते हैं अपने पेरेंट्स से कब मिलते हैं खाना अलग खाते हैं, तो मगर उनको पता है लंच पे साथ बैठना है और डिनर पे साथ बैठना है। वाह वाह, ये इतनी खूबसूरत बात आपने की है। ऐसी ऐसी और बहुत सारी बातें हम आपकी कम्युनिटी से जानेंगे। हम 2 वीक से इंतज़ार कर रहे थे, आपको पता है हम हमारे हर शो के बाद ना हम प्लान कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, हमने कहा हम खाने के बारे में पूछेंगे, हम कल्चर के बारे में पूछेंगे, इतनी सारी चीज़ें हैं इन लोगों से सीखने के लिए, हम सब पे बात करेंगे आज जनाब। जी अच्छा, अब हमें थोड़ा सा इसकी बुनाई के बाद इंतज़ार करना है। कौन सी बुनाई के बाद? हम इसके अंदर और कुछ नहीं है, इंग्रेडिएंट्स हम सारे डालेंगे इसके अंदर, जैसे मैंने बताया था ये नट्स वाला पेस्ट है, इसमें सारे नट्स ऑलमोस्ट सिवाय मूंगफली के। ठीक है, यानी इसमें काजू भी है, बादाम भी है, चने भी हैं और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी है और बादियान का फूल जो है वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो आपने बता दिया, अब तो नहीं रहा सीक्रेट। हाँ, ये आप लोगों के लिए सीक्रेट है। देखिए, इसका जो अलग करता है जो इसको टेस्ट, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है बादियान का फूल। बादियान का फूल, हाँ, और इसको कड़ी लीव भी कहते हैं, कुछ लोग कड़ी फ्लावर भी कहते हैं, इस तरह अलग अलग नाम है। ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है बादियान के फूल। बादियान के फूल, आई थिंक बादियान के फूल को इंग्लिश में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टार एनिस भी कहा जाता है, वो बिल्कुल एक स्टार की शेप का होता है। ठीक है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, स्टार जैसा होता है। अच्छा जी, उफ, रेड करी पेस्ट इसमें। अच्छा, हम इसका नेक्स्ट प्रोसेस भी स्टार्ट कर देते हैं ताकि काम होता जाए। बिल्कुल, बताइए। अब इसमें जो है मैं ये, ताकि ये जल ना जाए मसाला, इसके लिए मैं ये मसाले को दही के साथ इसको वो करूँगी थोड़ा सा, या हम कोकोनट मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं वो आप स्पून से, अगर आपको स्पून चाहिए। अच्छा, ये जो मसाला बताया है, बता रही थी, उसमें सारे नट्स हैं सिवाय पीनट्स के, इसमें आपने बताया था बादाम, बादाम, पिस्ते, पिस्ते नहीं, पिस्ते नहीं, बादाम, बादाम, काजू, बादाम, काजू और चने, चने और बादियान का फूल। बादियान, बादियान का फूल मैंने साबित भी रखा हुआ है ताकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर आ जाए तो हम निकाल सकें इसको। ज़बरदस्त, ठीक है, ठीक है, ज़बरदस्त, वाह। और हम इसको अलग से भी ऑयल लेके भून सकते हैं मसाले को, ऐसे भी कुछ लोग बनाते हैं। अच्छा, मगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट डाल दूँगी। ठीक है, ठीक है, सही है, तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कि अगर इसको अलग से ऑयल में ये सारे मसाले को भून लें और हल्के से ऑयल में, और फिर इसको डालें और फिर दही जो है वो बिल्कुल लास्ट में डालें। ठीक है, मगर मैं आज मैं जो बनाती हूँ मैं इस तरह बनाती हूँ। आप दही को भूनती हैं? हाँ, ठीक है, दही में मिक्स करती हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त, ये दही हमने इसमें मिला दिया है और
बड़ा इसमें कड़ी पत्ता भी है, इसमें कोकोनट मिल्क पाउडर भी है, कोकोनट क्रीम पाउडर भी है, और इस टाइम पे हम थोड़ा सा ये कड़ी लीफ डाल देंगे ताकि कड़ी लीफ जो है वो इस मसाले के साथ भुन जाए, तो ये थोड़े से मेरे ख्याल में इनफ है। ठीक है, कड़ी पत्ता जो है ना वो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि भाई कराची में मिलता है और बाकी शहरों में नहीं मिलता, वो तो उगाना लिटरली स्टार्ट हो चुके हैं। सही कह रही है, मैंने भी अपने गार्डन में ही थोड़ा सा उगाया है। आपने भी जबरदस्त, तो मैं उधर से ही लेकर आई। आसान भी होता है उगाना, हम सब उगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मसाला आपने इसमें शामिल कर दिया, दही का और नट्स का। हाँ, और ये अब हम इसको भून लेंगे इसके साथ। जबरदस्त। अच्छा, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करें कि इसमें कोई प्याज शामिल नहीं है ना? एग्जैक्टली, कोई प्याज शामिल नहीं है, क्योंकि जो नट्स हैं ये इसको गाढ़ापन देंगे जो, तो फिर हम नान है, घर की रोटी है हमारी, उसके साथ भी ले सकते हैं और चावल के साथ ही बहुत अच्छे लगते हैं। आपकी कोई आई थिंक ऐसा क्या है कि बोरा कम्युनिटी पे कोई खास कोई चपाती होती है जो बड़ी फेमस होती है? हाँ, मैं वो लेके आई हूँ, आपको दिखाऊंगी। अच्छा। बस हमारी साइज थोड़ी छोटी होती है, बाकी तो सब पाकिस्तानी हम एक ही खाना खाते हैं। अच्छा, बस हमारी थोड़ी साइज छोटी होती है। हमारे एक टीम मेंबर है, उनको बड़ी पसंद है भाई, वो हमेशा जो है ना वो चपाती का जिक्र कर रहे होते हैं, तो आज हम इंजॉय करेंगे वो। हाँ ठीक है, जबरदस्त। और जो नॉर्थ वॉक पे हमारा जो फेस्टिवल है वो तमाम पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर हैं नए, उन सबको मौका दिया है, सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं पूरे पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ पे आप आएंगे तो सबसे आपकी मुलाकात होगी, और मैं चाहती हूँ कि सब आएँ और अप्रिशिएट करें उसको। ज़बरदस्त, मतलब आप मैं ये जानना चाहती हूँ कि वहाँ पे बोरा फूड फेस्टिवल में क्या सिर्फ बोरा फूड ही होगा या फिर कुछ और, कोई और किसी किस्म का? नहीं, बहुत किस्म के हैं। मैंने आपको जैसे बताया ना कि नए सारे लड़के लड़कियाँ जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, हमने सबको मौका दिया है। वाह वाह, तो मैं चाहती हूँ कि हम इस तरह हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। बात है, लेकिन पता है बहुत कम ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, फूड फेस्टिवल्स तो होते रहते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें आपको किसी और कम्युनिटी का खाना खाने का जो है वो एक मौका मिले। सो मैं जब जाऊंगी तो मैं तो यही खाना से स्टार्ट करने वाली हूँ, बोरा फूड कम्युनिटी के खाने से स्टार्ट करके, जब मुझे लगेगा कि अच्छा भी अब कुछ नहीं रहा खाने के लिए, तब किसी को स्टॉल की जाने मैं तो बढ़ूंगी। नहीं नहीं, आप तीनों दिन आए ना, एक दिन आप फैमिली के साथ खाना खाने आए, एक दिन आप अपने फ्रेंड्स के साथ आए, तो सब मिल इंजॉय कर सकेंगे। बिल्कुल, तीन दिन है। अच्छा, हमारे पास ब्रेक का टाइम है, फरीदा हम ब्रेक पर जा रहे हैं, आपको इसमें कुछ शामिल करना है आप बता दें, फिर ब्रेक से वापस आएंगे तो ये सिलसिला टू एंड फ्रो चलता रहेगा। तो बस हम इसके अंदर अब लास्ट जो इंग्रेडिएंट है हमारा है कोकोनट मिल्क पाउडर, वो शामिल करेंगे और फिर हमें जितना पानी चाहिए वो रखेंगे, तब तक चिकन भी हमारी टेंडर हो जाएगी और फिर सर्व। ठीक है, ज़बरदस्त, ब्रेक से वापस आके करेंगे, आपके सामने करेंगे, आप लोग जल्दी से ब्रेक से वापस आ करेंगे। आपने कहा था पाइनएप्पल का टच देंगी, ठीक। पहले मैंने इसमें लिया है घी, जो असली घी है वो इस तरह असली घी है कि जो घर में दूध की मलाई होती है उससे बना हुआ है, तो अगर कोई डाइट भी करता है तो उसमें भी कहा जाता है कि वो आप यूज़ कर सकते हैं टेबल स्पून ना, ठीक है। तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ और वो घर में ही मैंने बनाया था मलाई का घी, वो मैं लेके आई हूँ, ठीक है। और उसमें मैंने पहले सूजी भून ली, फिर थोड़ी सूजी भून ली, उसके बाद मैंने उसमें शुगर ऐड कर दिया। और इसका पोर्शन इस तरह होता है, और ये बहुत ईजी है कि अगर आपने हाफ कप सूजी ली है तो हाफ कप ही आप चीनी लें, ठीक है, तो उसका बहुत ज़बरदस्त, फिर ऊपर से आपको चीनी या कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल इसका परफेक्ट रिजल्ट आता है, ठीक है। तो ये हमने भून लिया इसको थोड़ा सा इसके साथ, फिर हम इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, वाह, क्योंकि ये एक हमारे हर टच में होता है खाने के, जो ज़ाफ़रान का टच है। तो अच्छा, ये एक बोरा फूड का एक स्पेशलिटी है ज़ाफ़रान ऐड करना। हाँ, हमें अच्छा लगता है शायद, और ये हेल्दी भी है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हम थोड़ा सा उसका अंदर टच देंगे, उसमें कलर भी आ जाएगा, हमें कलर फूड कलर नहीं डालना पड़ेगा, फूड कलर हमें बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो भी आ जाएगा। और फिर थोड़ी सी इलायची, और जब लास्ट में बन जाएगा हलवा तो उसके बाद हम क्या कहते हैं पाइनएप्पल ऐड करेंगे। अच्छा, पाइनएप्पल जब गर्म होगा हलवा तब ऐड करेंगे या ठंडा करके? दोनों में ऐड कर सकते हैं, मगर जब तैयार हो जाए, बिल्कुल गर्म ही हो बेशक,
ठीक, तो उसमें हम ऐड कर देंगे। जबरदस्त, वेरी नाइस, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे चिकन को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा? थोड़ा सा, बिल्कुल, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में डन है। ठीक है। अच्छा, ये इसका शोरबा हम रखते हैं ना? हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि शोरबे की भी यही कहानी होती है कि अगर हम किसी को गोश्त ना दे सके तो पड़ोस में शोरबा तो भेज सकते हैं। हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, आप लोग, मैं हमारी गेस्ट से भी जानना चाहती हूँ, फैदा, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कि जब पड़ोस में आपको भी इस तरह होता है कि कुछ भेजें कोई ऐसे इंसान को जो कि भोरा फूड के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं नहीं बिल्कुल, हम भेजते हैं, और हमारे तो इर्द गिर्द ही सब हम मुसलमान पाकिस्तानी सारे रहते हैं, तो वो लोग तो बहुत इंतज़ार में होते हैं कि कब आएगा उनके यहाँ से कुछ। अगर तो हम तो मेरी जो अम्मी है या मेरी मदर इन लॉ है, वो हमेशा ये कहती है कि अगर चलो गोश्त कम भी है तो क्या हुआ, शोरबा तो पहुँच जाएगा ना, तो ज़रा ऐसा ही खाना बनाओ कि जो बरकत हो उस खाने में। क्या बात है जी। फरीदा, आई थिंक ये तो ये रेडी है अब डिश आउट करने के लिए। हलवा रेडी है, इसमें मैंने पाइनएप्पल ऐड कर दिए क्योंकि ये बन चुका है रेडी। और डिश आउट करने से पहले मैं वो काम करना चाहती हूँ जिस पे हमारी ऑडियंस हो सकता है कुछ बिल्कुल माइंड ना करे और कुछ बोले कि ये क्या, ऐसी क्या आपको जल्दी थी, तो भाई देख हम खाया के तो देखें ना, बस थोड़ा ख्याल रखिएगा गर्म होगा। बस इसको मैं पाइनएप्पल के साथ ज़रा वो इन्जॉय करना चाहती हूँ कि देखूँ कि सूजी एंड पाइनएप्पल का क्या इसमें कॉम्बिनेशन है। आपके भूरा कम्युनिटी में कोई ऐसे इंसान हैं थे जिन्होंने ये बताया जात क्या, या फिर बस ये एक चीज़ है ये सदियों से चली आ रही है पाइनएप्पल और हलवा? बिकॉज ये बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन है। ये तो मैं कहूँ सदियों की बात है, डिकेड्स की बात है, यानी बहुत अरसे से सब चीज़ें चली आ रही है, और हमने हमारी माओ ने अपनी माओ से सीखी है और हमने अपनी माओ से सीखी है, और मैंने ज़्यादातर काम तो अपनी मदर इन लॉ से ही सीखा है। हाँ। क्योंकि शादियाँ हमारे यहाँ जल्दी हो जाती हैं तो फिर सारे काम और सारी तरक्की अपने घर में ही होती है हमारी। क्या बात है। अच्छा, मुझे फरीदा ये बताइए जो प्यार मोहब्बत की रोटी के बारे में आप क्या कहेंगी? मोहब्बत की रोटी तो बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही कहा कि वाकई में हमारे घर में बड़ी मोहब्बत से बनी जाती, क्योंकि कहते हैं कि जो आटा नमक और सब चीज़ें जो मिला के गूंथते हैं आटा, उसमें आप सबका प्यार मोहब्बत सब शामिल होते हैं, और मैं तो हमेशा ही कोशिश करती हूँ कि जब मैं आटा गूंदूँ तो बिल्कुल टेंशन में ना हो, कि मेरा टेंशन किसी और को डाइवर्ट ना हो, तो मैं हमेशा अच्छे मूड में आटा गूंदती हूँ और रोटी पकाती हूँ, ताकि मेरे घर के सारे बच्चे, मर्द, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते, तो मेरे ज़्यादातर मुँह पर यही होगा, तो हम लोग सब मिल के खाना खाएँ और खुश रहें, और हमारा मैं चाहती हूँ कि सभी अच्छे से अच्छा बनाते हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त है, ये ज़बरदस्त है। और जो मैं हमारे गेस्ट से भी पूछ रही थी उनको भी मैं इसका जवाब इनसे पूछूंगी कि हम आपकी कम्युनिटी में मैंने कभी आज तक नहीं देखा कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, तो क्या ये मोहब्बत की रोटी का भी कोई रोल है या कुछ और भी फैक्टर है फैमिली के साथ बैठने का, मोहब्बत से रहने का? अच्छा, आपने ज़्यादातर लोगों से सुना होगा, अब मेरे कानों तक बात आती है कि हमें कहा जाता है कि अमन पसंद और जमन पसंद, ये सुना होगा अक्सर लोगों से। जमन मीन्स खाना, हम खाना पसंद करते हैं और अमन पसंद करते हैं, तो शायद यही वजह है कि हमारे दिल में सुकून रहता है। हाँ। कि अमन से रहे, क्या ज़रूरत है किसी से कुछ जेलिस होना या किसी के साथ कुछ ऐसी बात करना जो हमें अपने आप को भी नुकसान पहुँचाए, तो हम खुश रहते हैं, इसीलिए कि जितना है उसी में खुश रहना है, और सबसे ज़्यादा हमारी कोशिश ये होती है और हमें ये सिखाया भी यही जाता है कि मुल्क को तरक्की देनी है, तो हम बस उसी में लगे रहते हैं कि बस किसी तरह मुल्क आगे बढ़े, हम आगे बढ़ेंगे उसके साथ साथ। वाह, क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त आपने बातें की हैं, थैंक यू सो मच फरीदा। यहाँ पे आप आराम से इसको डिश आउट कर लीजिए, हमारे माजिद भाई आपको हेल्प कर देंगे, यहाँ पीछे हमारे कुछ प्लेटर्स भी रखे हुए हैं।